अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री का चैप्टर वन और आज का हमारा टॉपिक है कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की कंडीशंस को हमने रीड करना है। इससे पहले हमने इक्विलिब्रियम को पढ़ा था, जिस पे हमने कहा था कि इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेट होती है जब हमारे पास किसी भी रिएक्शन के अंदर जितना रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर जिस टाइम के अंदर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक उतने ही टाइम में जब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनने लगे, तो हमने कहा था वो होती है इक्विलिब्रियम, जिसको हमने नाम दिया था डायनेमिक इक्विलिब्रियम। क्योंकि ये जो रिएक्शन होता है और मोशन में होता है, कंटिन्यूड होता है, बट नन ऑफ कंसंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है चेंज नहीं करता। जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज नहीं करती, ठीक है, बट देयर अकर हो रहे होते हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बन रहा है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा है, बट चूंकि इसका रेट सेम है, फॉरवर्ड रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और उतने ही टाइम में प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, तो हमने कहा था इक्विलिब्रियम। अब ऐसा है कि इक्विलिब्रियम को अचीव करने की कंडीशंस है, आपकी बुक लिखती है कि अगर हमारे पास एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का एक सैंपल जो है क्लोज सील कंटेनर में बंद कर दिया जाए, ठीक, एक क्लोज सील कंटेनर में अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को बंद कर दिए जाए और ये रिवर्सिबल रिएक्शन चला दिया जाए, उसके अंदर हो रहा हो और कंटेनर सील्ड हो, ठीक, तो कहता है कि जिस टाइम पे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहे होंगे, जिस रेट से चेंज हो रहे होंगे, ठीक उसी रेट से प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहे होंगे, एंड ये सडनली नहीं होता, कुछ टाइम बाद इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होता है, स्टेट इक्विलिब्रियम एक स्टेट है, ठीक है। यानी इनिशियली हमने कल भी पढ़ा था कि रिएक्टेंट ज्यादा है इनिशियली टी जीरो पे, आफ्टर सम टाइम प्रोडक्ट जैसे जैसे ज्यादा होने लगते हैं रिएक्शन बैक को आने लगता है, अभी भी इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश नहीं हुआ। एक खास स्टेट होती है, खास वक्त होता है, खास दौरानिया होता है जिस पे रिएक्टेंट का स्लोप नीचे आता है, प्रोडक्ट का स्लोप ठीक उसी टाइम ऊपर जाता है। अब रिएक्टेंट के स्लोप्स और प्रोडक्ट के स्लोप कुछ टाइम बाद ऐसे एक दूसरे के पैरेलल आ जाते हैं, जब एक दूसरे के पैरेलल आ जाते हैं तो हम कहते हैं इसके अंदर इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो गया, ठीक। हम मेनली उसी इक्विलिब्रियम की कंडीशन पढ़ने लगे हैं जिसमें जो फर्स्ट कंडीशन है दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन अनचेंज्ड, पहला जो है कंडीशन है। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है बोर्ड में, व्हाट आर द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम या टू अचीव इक्विलिब्रियम विच कंडीशन शुड बी कीप इन ऑब्जर्वेशन, ठीक है। कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, बड़े कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम के नाम से आता होता है क्वेश्चन। तो जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन है कंसंट्रेशन, वर्ड मैंने कल भी आपको समझाया था, अगर मैं इसको फिजिक्स के लैंग्वेज में दूं तो कंसंट्रेशन इज नथिंग बट अ मास, कोई मिकदार होगी, लेकिन अगर मैं केमिस्ट्री के लैंग्वेज में दूं इसको तो सल्यूट की सोल्यूशन के अंदर मिकदार, सल्यूट की सॉल्वेंट के अंदर मिकदार, ये है कंसंट्रेशन, ठीक। और फिजिक्स में क्या, फिजिक्स में चूंकि सल्यूट सॉल्वेंट सब एक जैसा है, यानी मैस है, हम उसको मैस कहते हैं, वो कंसंट्रेशन है, वो क्वांटिटी है। तो यहाँ कंसंट्रेशन क्या है, यहाँ हम सॉल्यूशन के हिसाब से बात करते हैं। रिएक्शन के अंदर जब दो चीजों को हम मिक्सअप करने लगते हैं तो अमूमन एक चीज लेसर अमाउंट में होती है, दूसरी ग्रेटर अमाउंट में होती है। तो लेसर अमाउंट की मिकदार ग्रेटर अमाउंट के अंदर को डिटरमिन करती है कंसंट्रेशन, हम कहते हैं कंसंट्रेशन क्या है इसकी, ठीक है। यानी अगर मैं किसी चीज की कंसंट्रेशन लिखूं 10% एम बाई वी, केमिस्ट्री चैप्टर 6 याद है आपको, 10% एम बाई वी, इसका हम क्या मतलब लेते थे, हम कहते थे कि कोई 10 ग्राम मैस 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर डिजॉल्व हुआ है, डिनोमिनेटर में वॉल्यूम में सॉल्यूशन हुआ और 10% मैस हुआ, 10% मैस सॉलिड का होगा, क्योंकि लिक्विड के लिए तो हम मैस के यूनिट नहीं यूज करते, लीटर यूज करते हैं, ठीक है। तो दैट्स व्हाई जो मैस है 10% मैस या 10 ग्राम मैस 100 सीएम क्यूब सॉल्यूशन में डिजॉल्व हुआ है, तो ये इसकी कंसंट्रेशन गिवन है आपको। तो आपको जब कंसंट्रेशन वर्ड यूज किया जाए तो मतलब मिकदार, तो कंसंट्रेशन और ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन्स अनचेंज्ड, अनचेंज इसलिए भी है क्योंकि मैंने आपसे कहा कि जब हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन अचीव करते हैं तो कंटेनर शुड बी सील्ड ऊपर से, जितने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पे आपने इक्विलिब्रियम की स्टेट
स्टैब्लिश कर ली है, आपको मिल चुकी है, अब आप इसमें मजीद रिएक्टिव प्रोडक्ट चेंज नहीं करेंगे, कंटेनर सील है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सेम, रिएक्टेंट से आप खूब वाकिफ हैं, रिएक्टेंट को हम सिंबॉलिकली ऑन द लेफ्ट साइड पे लिखते हैं जहां दो सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं। प्रोडक्ट कौन से होते हैं जो रिएक्टेंट के बाद यील्ड आपको मिलता है, यानी जो प्रोडक्ट मिलता है हासिल, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट शुड सेम, शुड रिमेन सेम लिखे या अनचेंज लिखें आपकी मर्जी है, अनचेंज्ड। नंबर टू, सेकंड क्या है, सेकंड ये कहता है कि आपके पास जो टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम है दैट इज शुड रिमेन कांस्टेंट। इफ यू रिमेंबर योर चैप्टर 6 ग्रेड 9 में, तो आपने टेम्परेचर के साथ सॉल्युबिलिटी का एक रिलेशन पढ़ा था, डायरेक्ट रिलेशन। जब आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिल जाता है आपको, तो आप अगर उस सिस्टम का, उस सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर दें, वही जो क्रिस्टल थे दैट इज रिमेन अनडिसॉल्व, दे स्टार्ट डिसॉल्व बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो मतलब टी बढ़ाने पे क्या बढ़ना शुरू हो जाता था, सॉल्युबिलिटी, डिसॉल्विंग ऑफ अ सॉल्यूट इन अ सॉल्वेंट बढ़ जाता था। तो मैं अगर इसी सील कंटेनर का अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा क्या होगा, जाहिर है अंदर के पार्टिकल मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलेगी, जब उनको एनर्जी मिलेगी अंदर पोर्स बनना शुरू हो जाएंगे, स्पेसेस बनना शुरू हो जाएंगे, मे बी जो सॉल्यूट है किसी सॉल्युबल सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व होना शुरू हो जाए और उसकी कंसंट्रेशन में भी कमी आ सकती है डेफिनेटली, जबकि हमने कहा ये अनचेंज होना चाहिए। फिर टेम्परेचर में हमने ये भी देखना है कि अगर हमने किसी सिस्टम का इक्विलिब्रियम अचीव करना चाह रहे हैं तो सिस्टम का टेम्परेचर हम इसलिए भी नहीं बढ़ा सकते, आप सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाते हो क्या होने लगता है, स्टार्ट मेल्ट, लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाते हो क्या होने, स्टार्ट बॉयल, डेफिनेटली दोनों पे वॉल्यूम डिक्रीज करता है, ठीक है ना। जब टेम्परेचर आप बढ़ाते हो आफ्टर सम टाइम क्या वाटर का वॉल्यूम उसी तरह रहता है, नो डिक्रीज कर जाता है, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल दे स्टार्ट एवेपोरेटिंग, लिक्विड से गैसेस स्टेट में चले जाते हैं। इसी तरह सॉलिड को देखो, सॉलिड का जो मास है हीट करने पे, टेम्परेचर देने पे मेल्ट करता है, उसका मास कहाँ चला जाता है, एनर्जी की फॉर्म में, ठीक है ना। आप इस टेबल चेयर को ही आप जब हीट करते हो कहाँ चला जाता है मास, डेफिनेटली जब ये राख बन जाता है, पार्ट ऑफ एनर्जी लाइट, पार्ट ऑफ एनर्जी हीट, पार्ट ऑफ एनर्जी साउंड, पार्ट ऑफ एनर्जी फ्रिक्शन में चली जाती है, ठीक है। तो मास एनर्जी में, तो कहने का मतलब ये है कि आप टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो ये चूंकि केमिस्ट्री है तो इन दैट सेंस वो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर देगा, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करने से जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का रेशियो है डिस्टर्ब हो जाए, वो हम होने नहीं दे सकते। इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए जो आपके सिस्टम के का जो टेम्परेचर है वो कॉन्स्टेंट रहना चाहिए, चेंज नहीं होने देंगे, ठीक है, टेम्परेचर शुड कॉन्स्टेंट। टेम्परेचर के आपने बड़े रिलेशन पढ़े थे चैप्टर 6 में, अगर आपको याद हो, ये काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाता है, काइनेटिक एनर्जी से मॉलिक्यूल्स डेफिनेटली रैंडमली मूव करते हैं और इसे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है, ठीक है। और चूंकि आप हर सब्सटेंस की मोलैरिटी ले रहे हैं, एक मोल जो डीएम क्यूब सॉल्यूशन में डिजॉल्व होता है, आप यहाँ रिवर्सिबल रिएक्शन में हर सब्सटेंस की मोलैरिटी लेते हैं, आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ मोल्स डेफिनेटली टेम्परेचर ज्यादा करने पे हो सकता है ज्यादा डिजॉल्व हो, दैट्स व्हाई वी बड़े सारे फैक्टर है इसके अंदर, टेम्परेचर शुड रिमेन अनचेंज्ड, ये भी चेंज नहीं होना चाहिए। इक्विलिब्रियम कंडीशन पे ये भी चेंज नहीं होना चाहिए। सेक्शन 3 क्या कहता है, थर्ड पैरामीटर है आपके पास कि जो प्रेशर और वॉल्यूम है सिस्टम का ये भी कांस्टेंट होना चाहिए। प्रेशर देखें, आपने पढ़ा है, मे भी आपने सील कर देना कि अंदर गैस ली हुई हो, तो गैस के हिसाब से तो आप आगे रिलेशन पढ़ चुके हैं, प्रेशर का और वॉल्यूम का क्या रिलेशन है गैस के हिसाब से, पी इज इनवर्स ऑफ क्वेश्चन टू वी, प्रेशर बढ़ा देने से वॉल्यूम गैस का डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। अब चार्ल्स लॉ में आप पढ़ चुके हो, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर,
ये लिंक्ड है चीजें एक दूसरे के साथ, ठीक है ना। टेम्परेचर बढ़ा देने पे वॉल्यूम इंक्रीज करता है, प्रेशर बढ़ा देने पे वॉल्यूम डिक्रीज करता है। तो ये जो प्रेशर और वॉल्यूम है, ठीक है, ये भी आपके सिस्टम के इक्विलिब्रियम स्टेट को डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो दैट्स व्हाई ये भी कांस्टेंट होने चाहिए, ये भी चेंज नहीं होना चाहिए। जिस प्रेशर पे आपको इक्विलिब्रियम अचीव हो गया उसी प्रेशर को आपने कांस्टेंट रखना है, ठीक है। और जैसे आपने एक रिएक्शन पढ़ा था, आई थिंक SO3 का ही पढ़ा था, ये वाला जिसमें आपको याद होगा हमने कितने स्टेप किए थे, 2SO2+O2। यहाँ फॉरवर्ड करने के लिए V2O5 आप यूज करते थे, ठीक। यानी तुम्हें जब रिएक्शन को फॉरवर्ड करना था क्या बनाना था, 2SO3 जब बनाना था तो तुम इसमें कैटलिस्ट ऐड करते थे, ऑक्सीडाइज होकर सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता था। इसको रिवर्स लाने के लिए क्या करते थे, इसको रिवर्स करना के एक टेम्परेचर पे इसको ले जाया जाता था। इस टेम्परेचर पे 450 आई थिंक, ठीक, और इसी तरह 200 KJM। अब डेफिनेटली SO3 का अगर ग्राफ चेक करें आप, जिस पे इक्विलिब्रियम आपको स्टेबलिश हुआ था, ठीक है, इसमें आपने रिएक्टेंट पे नीचे आए थे, इनिशियली ज्यादा थे रिएक्टेंट, फिर कम होना शुरू हुए, देन प्रोडक्ट बढ़ना शुरू हुए, यहाँ पे आपको इक्विलिब्रियम स्टेबलिश होता दिखाई दे रहा है। तो जाहिर सी बात है वो इक्विलिब्रियम आपको इस टेम्परेचर और इस प्रेशर पे मिला है। अब ये आपको चेंज नहीं करना मजीद, क्योंकि आपने इसको चेंज किया वो आपके रेस्ट ऑफ पैरामीटर चेंज कर देगा। मैंने आपको एग्जांपल दी, टेम्परेचर चेंज किया तो आपकी ये चेंज कर देगा, एनर्जी अंदर की चेंज की, सॉल्युबिलिटी चेंज हो सकती है। सॉल्युबिलिटी चेंज हुई तो मॉलिक्यूल में रैंडम मोशन ज्यादा आ जाएगा, कंटेनर के अंदर मॉलिक्यूल में हलचल मच जाएगी, ठीक, स्टेट चेंज होने का खतरा है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है कि प्रेशर और वॉल्यूम आपको कॉन्स्टेंट रखना है। प्रेशर और वॉल्यूम ये है, ये देख सकते हैं आप, ये आपका टेम्परेचर है, ये आपका प्रेशर है, ठीक है। तो जितना वॉल्यूम उसने कंटेनर में ऑक्यूपाई किया हुआ है उतना वॉल्यूम के साथ रिएक्टेंट प्रोडक्ट रहने चाहिए, उसकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होनी चाहिए, उसकी फर्स्ट कंडीशन थी। तो वॉल्यूम वैसे चेंज तो इन दो चीज़ों से होता है, प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम डिक्रीज, ये तो गैसेस के लिए फ्लूइड्स पे ये एक्चुअली एक्ट करता है। तो यहाँ पे इस टेम्परेचर और प्रेशर पे आपको जब इक्विलिब्रियम ये वाला अचीव हुआ था, दैट इज फॉर रिएक्टेंट, दैट इज फॉर प्रोडक्ट, तो ये कह रहा है कि ये भी आपको चेंज नहीं करना है, प्रेशर एंड वॉल्यूम शुड रिमेन कांस्टेंट। तीन मेनली कंडीशन है हमारे पास। ठीक हो गया, ये थी आपके पास कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। मेनली आपने जो है इस सैंपल को जिस पे आपने इक्विलिब्रियम में एस्टेब्लिश करना है, उस सैंपल को आपने क्लोज्ड सील कंटेनर के अंदर लेना हो, कंटेनर बंद होता है, इन कंडीशंस को रख के आप इक्विलिब्रियम को अचीव कर सकते हैं, ठीक हो। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा दैट विल बी लीड चैटरियल प्रिंसिपल, इसको हम पढ़ेंगे।